अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मैजीज़ किचन। आज मैं आपको ज़र्दे की रेसिपी बताऊंगी। आपने शादी में ज़र्दा तो बहुत ही खाया होगा। आप सोचते होंगे कि हम घर पे से बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे। ये रेसिपी बिल्कुल शादी वाले ज़र्दे की है। उसके लिए मैंने एक भगोने में पानी लिया है। पानी मैंने 2 लीटर लिया है। पानी डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी ऑरेंज फूड कलर को मैंने हल्का सा पानी में मिक्स कर लिया है। उसके बाद हम इसको भगोने में डाल देंगे। भगोने में कलर डालने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे केवड़ा वाटर हम ऐड करेंगे, 1 चम्मच, ज़्यादा नहीं डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे गोल्डन सेलर राइस। इसको मैंने 3 से 4 घंटे भिगो लिया था। जब ये भीग जाए तो हमने इसको भगोने में डाल दिया है। इसको हल्के हाथों से चला देंगे। अब हम इसको बॉयल होने तक, यानी कि इसको हल्का सा गलाने तक इसको बॉयल करेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें किस तरह के इसके चावल चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, ये हल्का सा टूट रहा है बीच में से। हमें इसको ज़्यादा नहीं गलाना, हल्का सा गलाना है। चावल हमारा अच्छे से गल गया है। अब हम एक भगोने में 1/2 कप घी लेंगे। घी मैंने देसी घी लिया है। उसमें मैं कुछ ड्राई फ्रूट डालूँगी, जो आपके पास ड्राई फ्रूट हो आप वो डाल सकते हैं। इसको अच्छे से भून लेंगे। जो शादियों में हम ज़र्दा खाते हैं उसकी जो हल्का सा क्रिस्पीपन आता है ड्राई फ्रूट में, कितना अच्छा लगता है। ये हमने बिल्कुल वैसे बना रहे हैं। अब हम इसमें डालेंगे हरी इलायची से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। 5 से 6 हमने लौंग डाली है। अब हम इसमें ऐड करेंगे बॉईल किए हुए चावल। इस तरह से हम इसको चावलों को फैलाते हुए डाल देंगे। मैं आपको धीरे धीरे बता दे रहा हूँ कि आप इस स्टेप को ज़रूर फॉलो कीजिए। 1 गिलास हमने इसमें चीनी लिए, 3 गिलास हमारे चावल थे और 3 गिलास ही हम इसमें चीनी डालेंगे। चीनी को इस तरह से हम फैला देंगे। थोड़े से चावल और लेंगे और उसको भी इस तरह से फैला देंगे। इस तरह से हम इसकी लेयर बनाती जानी है। इसको भी फैला देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 गिलास चीनी। और आप देख, याद रखिएगा, 3 गिलास हमारे चावल हैं तो 3 गिलास हमारी चीनी है। चीनी आप थोड़ी सी कम भी कर सकते हैं अगर आपको कम मीठा पसंद है। इस तरह से इसकी लेयर हमें बनाती जानी है, फैलाते हुए लेयर बनाती जानी है। गैस फ्लेम हमारा अभी इस टाइम मीडियम है। फिर से हम इसमें चीनी डालेंगे, उसको अच्छे से फैला देंगे, फिर हम इसमें चावल डालेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे चैनल की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब हम इसे ढक के पकाएंगे 10 मिनट के लिए। आप देख सकते हैं इसमें अभी चीनी मेल्ट नहीं हुई। इस तरह से इसे बीच बीच में हम चेक करते रहेंगे। गैस फ्लेम हमारा हाई है, जड़ता हमेशा हाई गैस फ्लेम पर ही पकेगा, नहीं तो चावल इसके कैड़े हो जाएंगे। आप देख सकते हैं चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई। अब हम इसको अच्छे से चला देंगे। जो चावलों में शाइनिंग होती है वो भी आ जाएगी। आप देख सकते हैं चावलों में कितनी अच्छी शाइनिंग आ गई है। चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई। हमारा ज़र्दा लगभग बनकर तैयार है। 1/2 काप हम इसमें बाद में करेंगे। अच्छे से चलाना है हमें इसका, जो चीनी है वो चावलों में अच्छे से मिल जानी चाहिए। इस तरह से हमें इसको चलाना है। आप चाहे तो किसी की हेल्प भी ले सकते हैं चलाने के लिए। आप देख सकते हैं चावलों में शाइनिंग है ना, वो बहुत ही अच्छी आ गई है। माशाल्लाह चावल बहुत ही अच्छे बने हैं। अब हम इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। आप ड्राई फ्रूट की जगह पेठा भी डाल सकते हैं इसमें, वो भी बहुत ही अच्छा लगता है। अब हम डालेंगे इसमें टूटी फ्रूटी। आप चाहे तो चेरी या कोई भी इंग्रेडिएंट जो मीठे ज़र्दे में डलता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम डालेंगे इसमें मावा। मावे को मैंने हल्का हल्का तोड़ लिया है जिससे ये अच्छे से इसमें मेल्ट हो जाए। थोड़ा मोटा भी कर सकते हैं, वो भी ज़्यादा अच्छा लगता है। इसको हल्का सा इसमें दबा देंगे। इसे मिक्स नहीं करना हमें अभी, इसे हल्का सा इसमें दबाना है ताकि जो मावा है ना वो इसमें अच्छे से मेल्ट हो जाए। अब हम इसको ढककर 5 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देंगे। गैस नहीं चलाया हमने। 5 मिनट होकर चेक करते हैं। आप देख सकते हैं जो मावा है वो अच्छे से मेल्ट हो गया है। मेल्ट हुआ मावा बहुत ही जायके का लगता है। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं हमारा ज़र्दा बनकर तैयार है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा ज़र्दा बना है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।